तेल गरम हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर प्याज को पतले पतले लंबे काट लिए हैं, इसको डाल देंगे। दो हरी मिर्च, इनको मैंने स्लीट करके रखा हुआ है, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ। एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, इसको 1 से 2 मिनट ही इसमें पका। अब इसमें कैप्सिकम को मैंने क्यूब्स में काट के रखे हैं, इसको भी डाल देंगे। इसके साथ 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून पानी। अब इन सारे चीजों को ढक्कन देकर हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, और अगर इसमें पानी थोड़ा सूख जाए तो 1 चम्मच और दे दीजिएगा। अब मैं इसको ढक के 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट हो चुका है, हमारा कैप्सिकम और पनीर, ये जो ग्रेवी जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से मिल चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जितना भी ग्रेवी है इसमें से थोड़ा और भी सोक कर लेगा। इसमें जब भी आप चीनी डालें, चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अगर आप 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं तो नमक सिर्फ आधा टीस्पून ही डलेगा इसमें।